सो फ्रेंड्स, अगर आपने भी जो है सीएससी से रैप रजिस्ट्रेशन किया था और उसका एग्जाम पास कर लिया है, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि सीएससी ने जो है अपने रैप एग्जाम पास जो भी वीएलई हैं उनको सर्विस प्रोवाइड करना स्टार्ट कर चुकी है। और आपको भी ये मैसेज आ चुका होगा, तो वो मैसेज क्या है और कौन कौन सी सर्विसें आपके पोर्टल पर, सीएससी पोर्टल पर लाइव होंगी और किस सर्विस में आप कितना कमाई कर सकते हो, कितना कमीशन मिलेगा, वो सारा कुछ आज की वीडियो में समझेंगे। और साथ ही ये भी हम जानेंगे कि अगर आपने रैप एग्जाम किया था और अभी तक आपकी सर्विस एक्टिवेट नहीं हुई है तो कैसे एक्टिवेट होंगी। सो वीडियो के साथ पूरा बने रहिएगा। सो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद सरवीद और आप देख रहे हैं सबका हेल्प यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप हिमाचल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी नई वीडियोज हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद जो आपके सामने बेल आइकन आता है उस पर क्लिक करके ऑल ऑप्शन को जरूर सेलेक्ट करना है, ताकि जो भी हमारी वीडियोस अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए और आप हमारी हर नई वीडियो से अपडेट रह पाए और सीख पाए कुछ नया। सो फाइनली दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दें, सबसे पहले हम आपको अपना जो है ईमेल में ले चलते हैं और वहां पर दिखाते हैं कि सीएससी ने हमें क्या ईमेल भेजा है। सो फ्रेंड्स, आप देख पाएंगे कि यहां पर 24 मार्च को सीएससी की तरफ से 6:48 पे हमें जो है ये मेल रिसीव हुआ, यानी पूरा 13 घंटा हो चुका है इस मेल को भेजे हुए सीएससी को हमारे पास। आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जो है सीएससी ने हमें मेल भेजा था। अब यहाँ पर ये मेल किस चीज़ का है, तो आप देख पाओगे कि वीएलई इंश्योरेंस प्रोडक्ट। अब यहाँ पर आप देख पाओगे, यहाँ पर लिखा हुआ है डियर वीएलई फ्रेंड, यानी अब यहाँ पर आप देख पाओगे कि नीचे लिखा हुआ है कंग्रेचुलेशन फॉर गेटिंग वीएलई इंश्योरेंस सर्टिफाइड, होप यू एवर ऑफ द इंश्योरेंस प्रोडक्ट दैट कैन बी शोली बाई वीएलई इंश्योरेंस। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपका जो जो है, सबसे पहले तो ये आप हमें बधाई कर रहे हैं कि जो है आपको बहुत बहुत मुबारक हो या बधाई हो। आपके जो पोर्टल पर, सीएससी पोर्टल पर जो रैप का सर्विस था, जो आपने रैप एग्ज़ाम पास किया था, उसकी सर्विसें लाइव कर दी गई हैं आपके डिजिटल सेवा पोर्टल पर, तो आप जो है वहां से उसका यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही कौन कौन सी सर्विसें लाइव की गई हैं डिजिटल सेवा पोर्टल में, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है मर्चेंट और प्रोडक्ट, यानी यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो है किस किस कंपनी से आप काम कर सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं। और तो यहाँ पर दोस्तों आप देख पाओगे कि बजाज एलिनिजा और जो है मोटर जो भी यहाँ पर दिया गया, HDFC अर्गो ICICI और जो है बहुत सारे लेंथ जैसे हैं, बहुत सारे जो है यहाँ पर टॉपिक दिए गए, जैसे यहाँ पर इंडिया फर्स्ट लाइफ, इंडिया फर्स्ट रिलायंस और जो है रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, सारा कुछ यहाँ पर हमारे पोर्टल में जो है लाइव किया गया। जो भी रैप का एग्ज़ाम पास करने वाले वैली हैं उन सभी को ये सर्विस जो है लाइव ज़रूर होंगी। अगर नहीं हुई, अगर मेल नहीं आया तो कैसे आएगा, वो भी हम आज की इस वीडियो में समझेंगे लास्ट में। तो अब यहाँ पर आप देख पाओगे फ्रेंड्स कि अब अगर नीचे को स्क्रॉल करते हो तो ये जो सर्विस है आपकी लाइव हुई है, इसमें अगर आप काम करोगे तो इसमें आपको कमीशन कितना मिलने वाला है। तो आप देख पाओगे कि यहाँ पर कमीशन का चार्ट बना हुआ है। तो आप फ्रेंड्स यहाँ पर देख पाओगे कि अगर टू व्हीलर का आप करते हो तो आपको 15% जो है ओडी मिलने वाला है, और अगर टू व्हीलर जो है मतलब करते हो यहाँ पर, जैसे अदर देन टू व्हीलर लिखा हुआ है और यहाँ पर टू व्हीलर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो है 17.5% आपको ओडी मिलने वाला है। ये ओडी क्या होता है और जो है इस पर काम कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको अपनी अगली वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आप कैसे कैसे इस पर जो है सर्विसें लाइव होंगी, अगर नहीं लाइव हुई तो कैसे इसे लाइव करा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको तो हमने अपना मेल दिखा दिया कि किस तरीके से मेल आया हुआ है और कौन कौन सी सर्विसें मिलती हैं। अब चलिए अपने डिजिटल सेवा पोर्टल में चलते हैं और देखते हैं क्या ये सर्विसें वाकई में लाइव हुए हैं या नहीं हुए हैं। सो बस, मेल के आए हुए 13 घंटे हुए हैं और अगर हम मेल जो अपना डिजिटल सेवा पोर्टल ओपन करते हैं, तो यहाँ पर अगर हम इंश्योरेंस में जाते हैं, तो यहाँ पर इंश्योरेंस में जाने के बाद दोस्तों अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन सी सर्विसें हमारी जो है एक्टिवेट हुई है। सो बस, अब यहाँ पर आप देख पाओगे कि यहाँ पर जो है हमें बताया गया है कि जो है आपके पोर्टल में जो है बजाज एलिनिजा और जो है HDFC और ICICI ये सारी सर्विसें लाइव कर देगी। चलिए यहाँ पर एक बार हम फिर से देख लेते हैं। तो आप देख पाओगे दोस्तों कि यहाँ पर अभी जो है उतनी सारी सर्विसें नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पर बजाज की जो भी सर्विसें हैं वो लाइव है। अगर आप जो है डैशबोर्ड में जाओगे तो आप या सर्विस में जाओगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख पाओगे कि ICICI जो है वो सर्विस अभी यहाँ पर इंश्योरेंस जो है
इनेबल नहीं हुई है, क्लिक हेयर का ऑप्शन नहीं आ रहा है, बट यहाँ पर सर्विस दिखा रही है। सो दोस्तों यहाँ पर 24 घंटे अभी तक हुए हैं, तो थोड़ा सा भी वेट करना है, हो सकता है एक वीक के अंदर ये सर्विसें सारी लाइव हो जाएंगी। अब अगर आपको मेल आ चुका है तो आप जो है बेफिक्र हो जाइए, चूंकि आपकी जो भी सर्विसें नहीं चालू हुई हैं वो जल्द से जल्द रैप वाली जो है चालू हो जाएंगी, आप इससे निश्चिंत तो रहिए अगर मेल आ चुका है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको मेल रिसीव नहीं हुआ है तो आप क्या करोगे। आपने रैप एग्जाम किया था और रैप एग्जाम को पास कर लिया है, लेकिन अभी तक ना तो आपके पास कोई मेल आया है सीएससी टीम की तरफ से, और ना ही कोई आपको अपडेट मिल रही है, ना ही आपके पोर्टल पर कोई भी रैप के रिलेटेड कोई सर्विस एनेबल हुई है, तो आपको क्या करना है। सो फाइनली आपको क्या करना है, अपने डीएम से संपर्क करना है। जैसा कि आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जो हमारे डीएम है यानी जो सीएससी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है, उन्होंने जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे और जो सीएससी का ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट का, वो उन्होंने जो है ये मैसेज भेजा हुआ है, ये जो है लिंक भेजा हुआ है, जहां से बताया गया है कि जिन संचालकों ने रैप इंश्योरेंस का 1 रुपये में अपना पंजीकरण बीमा करने के लिए किया था, वो सभी लोग अपना जो है डिटेल दिए गए लिंक में दर्ज करें, जिससे उनको इस सेवा में जोड़ा जा सके और वो अपने पोर्टल के माध्यम से बीमा संबंधित कार्य कर सके। अंत जिन लोगों ने पंजीकरण किया था सभी लोग अपनी जानकारी दर्ज करें। अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से कॉन्टेक्ट कर लेना, अगर ये फॉर्म अभी आपको नहीं रिसीव हुआ है तो आपको अपनी सीएससी आईडी और अपना वेली नेम, जो भी आपका नाम है, और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और साथ ही इंश्योरेंस रजिस्ट्रेशन नंबर, और यहाँ पर बता देना है कि आपको रिमार्क में कुछ भी लिख देना, जैसा कि आपकी सर्विस नहीं एक्टिवेट हुई उसके बारे में कुछ लिख देना और सबमिट कर देना है। सो फ्रेंड्स जैसे ही आप सबमिट करोगे उसके कुछ दिन बाद आपके पोर्टल में जो है बीमा के रिलेटेड जो भी सर्विसें हैं वो सारी की सारी लाइव कर दी जाएंगी। सो फ्रेंड्स यहाँ पर तो आपने देख लिया कि सर्विस क्या क्या आपको मिलने वाली है और कितना कमीशन मिलने वाला है, और अगर आपकी सर्विसें एक्टिवेट नहीं होती है तो आप कैसे एक्टिवेट करा पाओगे, या फिर इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम आती है, अगर आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आपकी हेल्प नहीं करते हैं, तो आप हमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप वहां से हमें कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, तो इसके रिलेटेड जो भी जानकारी होगी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना, और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है किसी चीज को लेकर, किसी टॉपिक को लेकर, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले, कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही हमारे ब्लॉग को आप जो है फॉलो कर लीजिए, क्योंकि अब हम अपने ब्लॉग पर जो है नई नई चीजें अपडेट करके डालते रहते हैं, सीएससी के रिलेटेड, बैंकिंग के रिलेटेड जो भी चीजें होती है वो हम यहाँ पर अपलोड करते रहते हैं, और साथ ही पैन कार्ड एजेंट कैसे बने उसकी भी बारे में यहाँ पर बताया जाता है। तो ये हमारा ब्लॉग है, इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से जाके हमें फॉलो कर लेना, और यहाँ पर हमारा इंस्टाग्राम लिंक दिया गया है, ट्विटर लिंक है और फेसबुक लिंक है, तो आप वहां से भी हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और हमें फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपके जो भी क्वेश्चन हो, जो भी आपकी समस्या, वो हम आपको जो है सॉल्व करा सके। सो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।